हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। एंड आज आप लोगों के लिए बहुत दिनों बाद लेके आ गया हूँ एनसिल फोर मैन में सिंपल क्वेश्चन है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें लगभग आपको 40 से 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। और ये क्वेश्चन हिंदी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग्स में जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा, आपका उत्तर हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि एमसीबी की स्वचालित ऑफ प्रक्रिया डैश के द्वारा संपन्न होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रिले। एमसीबी की स्वचालित ऑफ प्रक्रिया रिले के द्वारा संपन्न हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन डायोड की एप्लीकेशन लेयर के समांतर वोल्टेज डैश है, तो सिलिकॉन लेयर की एप्लीकेशन लेयर के जो समांतर वोल्टेज है वो 1.5 यानी कि 1.5 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चार नंबर की, किसकी ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा का, ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एक वोल्ट बराबर आपका जूल प्रति कूलम होता है, वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम। छः नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीक भार संयंत्र कार्यरत होते हैं, आपका सही उत्तर हो जाएगा निम्न लोड गुणक पर, जो पीक भार संयंत्र जो होते हैं वो निम्न लोड गुणक पर कार्यरत होते हैं, वर्किंग होते हैं। सात नंबर क्या कह रहा है कि फील्ड शक्ति की इकाई क्या होती है, तो न्यूटन प्रति कूलम्ब होती है। फील्ड शक्ति की इकाई न्यूटन प्रति कूलम्ब। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर होंगे। अगला कह रहा है कि आठ नंबर, इंटरपोल के कनेक्शन किए जाते हैं, आपका ऑप्शन है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। इंटरपोल के कनेक्शन कहाँ किए जाते हैं, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में। नौ नंबर क्या कह रहा है कि टेबल फैन के ब्लेड का कोण, आपका टेबल फैन जो होता है पंखा टेबल वाला, उसके ब्लेड का कोण कितना होता है, तो 15 से 20 डिग्री के बीच में होता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको आई थिंक नहीं पढ़ा होगा कहीं कि 15 से 20 डिग्री के बीच होता है टेबल फैन का कोण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण है, आपके ऑप्शन है सही उत्तर क्या हो जाएगा, एड़ी करंट क्षति के मान को कम करना। आर्मेचर कोण होता है उसको लेमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है कि एड़ी करंट की क्षति यानी कि नुकसान को कम किया जा सके। 11 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, रोधन सामग्री जो डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है उसे क्या कहते हैं, अभ्रक, यानी कि अभ्रक को ही डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर क्षेत्र के प्रयोग में लाई जाती है। 12 नंबर क्या कह रहा है कि कम्यूटेशन को कम करने हेतु प्रयोग में आते हैं, तो क्या आते हैं, इंटरपोल, इंटरपोल का यूज किया जाता है कम्यूटेशन को कम करने के लिए। 13 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कि अधिक क्षमता वाले डीसी मशीन के योक डैश की बनाई जाती है, आपका ऑप्शन है सही उत्तर यहाँ पर देख लीजिए कास्ट स्टील की, तो अधिक क्षमता वाले जो डीसी मशीन की योक होती है वो कास्ट स्टील की बनाई जाती है। 14 नंबर देखिए, किसी जनित्र के लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना। किसी जनित्र यानी कि जनरेटर में लैंप वाइंडिंग स्थापित करने का जो कारण होता है वो अधिक करंट व कम वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 15 नंबर क्या कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर की स्पीड, इसका आपको सही उत्तर नहीं पता है, कन्फ्यूजन था इसलिए ये पेंडिंग में रख दीजिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 नंबर कि कौन सा एक कारण है सक्रिय डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकन खोने के लिए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जनरेटर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखा है, यानी कि एक जनरेटर जो है लंबे समय के लिए एक्टिव नहीं है, मतलब उसका यूज नहीं किया गया है, तो क्या हो जाता है वो
अवशिष्ट चुंबकन खो देता है। ठीक है, 17 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर की सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर यूनिटी होगा जब मर्चेंट करंट न्यून होगा। यानी कि सिंक्रोनस मोटर होता है उसका पावर फैक्टर यूनिटी होगा। कब होगा? जब उसका आर्मेचर करंट न्यूनतम होगा यानी कि कम होगा। अच्छा, 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर चलेगी यदि इसकी स्लिप शून्य हो। यानी कि सिंक्रोनस मोटर की स्लिप अगर शून्य हो तभी वो चलेगी। 19 यानी कि 19 नंबर देखते हैं। ऑफ फुट बटन में डैश का उपयोग किया जाता है। तो ऑफ फुट बटन में आपका NC कॉन्टैक्ट का उपयोग किया जाता है, NC कॉन्टैक्ट। अच्छा, 20 नंबर देखिए। समान टार्क पैदा होने वाली दिशा में सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर तीन फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। समान टार्क पैदा होने वाली दिशा में सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर तीन फेज मोटर के पावर फैक्टर की तुलना में कम होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होती है? घट जाती है। जो पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर होते हैं उनके प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा देंगे, ये प्लेट है और इनके बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे तो उनकी धारिता यानी कि कैपेसिटी कम हो जाती है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन वो 22 नंबर कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड पर टार्क नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। सिंगल फेज जो मोटर होता है उसका सिंक्रोनस स्पीड पर टार्क नेगेटिव होता है। 23 कह रहा है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्साइटिंग ग्यूसर का प्रयोग नहीं करते हैं द पेट्रोल की आग बुझाने में। यानी कि पेट्रोल के आग बुझाने में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग नहीं किया जाता है। 24 नंबर क्या कह रहा है? एक फैरेड बराबर होता है, एक फैरेड आपका होता है जूल अपॉन कूलम्ब, एक फैरेड बराबर। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट लगता है, फिर ऐसा लगता है गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि आवासीय उपभोक्ताओं के सिंगल फेज का वोल्टेज डैश होता है। तो जो आवासीय उपभोक्ताओं के सिंगल फेज का वोल्टेज होता है 210 वोल्ट है, 210 वोल्ट। 26 क्या कह रहा है कि किसी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता यानी कि क्षमता एफिशिएंसी करीब होती है। आपका ऑप्शन है 35% उत्तर है, ऑप्शन नहीं, 35% आपका सही उत्तर हो जाएगा। 27 क्या कह रहा है कि DC जनरेटर की रेटिंग की जाती है, DC जनरेटर की जो रेटिंग होती है वो किलो वाट में होती है, किसमें? किलो वाट में। अगला क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है? टेबल फैन बहुत धीमा चल रहा है, कारण बताइए। तो आपका कारण यही है कि वोल्टेज कम मिल रहा है, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? DC मोटर में बैक EMF डैश के अनुपातिक है। आपके सही उत्तर हो जाएंगे गति। जो DC मोटर होता है उसमें बैक EMF आपकी गति के अनुपातिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 29 हो गया था, 30 देखते हैं। एक आर वाले कंडक्टर में पैदा हीट बराबर होती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा धारा के वर्ग के समानुपाती। एक आर वाले कंडक्टर में जो हीट होती है वो धारा यानी कि I के वर्ग के समानुपाती। यानी कि R इजकल टू I का स्क्वायर, इजकल टू नहीं, समानुपाती कह रहा है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। 31 कह रहा है कि गैस टरबाइन के व्यापक रूप में डैश में प्रयोग किया होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा हवाई जहाज। गैस टरबाइन का व्यापक रूप से हवाई जहाज में प्रयोग होता है। 32 देखते हैं। कंट्रोल पैनल जमीन से किस ऊंचाई पर इंस्टॉल होती है? तो आपका 2 मीटर की ऊंचाई पर इंस्टॉल होती है कंट्रोल पैनल। 33 इलेक्ट्रॉनिक आयरन में सोल प्लेट पर बिल्स्टर एक दोष है, इसका कारण क्या है? अधिक हीट होना, अधिक हीट होना। ओके, 34 देखते हैं। ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोड होना सॉरी ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोह नुकसान 1000 वाट है, आधे लोह पर लोड पर लोह नुकसान हो जाएगा। तो आधे लोड पे भी 1000 वाट ही होगा। 35 क्या कह रहा है? एक 4 पोल 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वाला
सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होगी? तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर आपका पेंडिंग है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं पता है तो फिर मैं बताऊंगा ढूंढ के, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो 36 क्या कह रहा है कि आर्मेचर बना होता है, आर्मेचर किसका बना होता है? तो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका? सिलिकॉन स्टील का। 37 क्या कह रहा है कि 100 मीटर से अधिक शीर्ष पर प्रचलित होने वाले संयंत्र डैश की श्रेणी में आते हैं। तो 100 मीटर से अधिक शीर्ष पर प्रचलित होने वाले यानी चलाए जाने वाले संयंत्र किस पे आते हैं? तो उच्च शीर्ष संयंत्र पे के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, 38 नंबर देखिए आप, कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपकरण ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का है? तो आपका रेलवेज, यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया है लेकिन आपका रेलवेज जो होता है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 39 क्या कह रहा है कि इस प्रकार के शक्ति स्टेशन सामान्यतया पहाड़ी क्षेत्र पर स्थापित किए जाते हैं, यह कथन किस शक्ति संयंत्र या फिर स्टेशन से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक शक्ति संयंत्र या फिर शक्ति स्टेशन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी संट जनरेटर का अनुप्रयोग है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बूस्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।